राजेश कुमार मौर्य, पिता का नाम गोकुल प्रसाद, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाए, फटाफट जलीली आते जाए। कहां से आए भैया? जौनपुर उत्तर प्रदेश। जौनपुर क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। माइक से बोले। जॉब करता हूं सर। क्या जॉब करते हैं? एचडीएफसी बैंक में। आप? हाँ। अच्छा, किस पोस्ट पर है? असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, क्या विषय बिंदु लेकर आए हैं? मेरा छोटा भाई है सौरभ मौर्य सर, वो समथिंग आज 8 महीने से खाना खाता ही नहीं है। भोजन नहीं करता, सिर्फ पानी पीता है वो। मात्र पानी? हाँ, जब भी खाना खाएगा उल्टी हो जाता तुरंत। अच्छा, खाता तो है ना कभी? नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा वो, 8 महीने से खाता ही नहीं, जब भी ट्राई करेगा तुरंत उल्टी हो जाएगा। स्क्रीन पर देखिए, नाम क्या उसका? सौरभ। हमने क्या लिखा है? सौरभ। हमने लिखा है सौरभ परेशान, 8 माह 40 दिन से, 8 माह क्या लिखा है? 8 माह 4 दिन से, सॉरी वो जीरो गलत लग गया। 8 माह 4 दिन से बाधा आपके घर में है, भोजन नहीं कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, पानी पीता है मात्र, भोजन नहीं करता, आंतों में सूजन है, लीवर में इंफेक्शन है, थोड़ा सा भी वजन जाने पर आहार नली द्वारा घबराहट होती है व उसको उल्टी होने लगती है, दिमाग घूमने लगता है, इस कारण से वह बच्चा अपने आप को सेंसहीन हो जाता है, उसको लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए वो भोजन नहीं करता है। मैं कहता हूं आपको, यदि समय है तो 7 दिन पंडोकर धाम रहिए और भोजन करके ही यहां से जाएगा और भोजन करने लगेगा, आशीर्वाद है। लेकिन साथ साथ डॉक्टरों की सलाह लीजिए, डॉक्टरों से दूर मत होइए, डॉक्टरों से दूर मत हटिए। देखिए, डॉक्टर का काम डॉक्टर का है, हमारा काम हमारा है, लेकिन आप एक 50 रुपया 60 रुपया का आटा लें और बेसन लें। क्या लें? आटा या बेसन। माइक से बोलिए। आटा या बेसन, समझ रहे हो भाई बात? साठ रुपया 50 या 50 रुपया 60 रुपए का आटा लें और बेसन लें, उसको गूथ लें, बच्चे अपने भाई के नाम से, भाई आया है, भाई आया। तो वो भाई अपने नाम से खुद पुष्पावती में वो आटे की गोलियां छोटी छोटी पुष्पावती में डालें, मैं गारंटी देता हूं 24 घंटे के अंदर भोजन पचने लगेगा। और भोजन ना पचे और उल्टी हो गए तो इस दरबार में कह के जाना कि महाराज जी आपने कहा था, आपने बताया हुई चीज फलीभूत नहीं हुई। परंतु जो उपाय बताए उतने नियम से करना है, नहीं तो यथास्थिति हो जाएगी, क्योंकि प्रेत बाधा के कारण से दिक्कत है। ठीक है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है।